नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात की, तीन तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात थी, कैसे तुष्टिकरण की जगह संतुष्टिकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है जो संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं। लेकिन आज उन्होंने पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक का गुब्बारा छोड़ा गया था उसकी प्रधानमंत्री जी ने हवा निकाल दी। ये देश में विकल्प की राजनीति नहीं करना चाहते, इनका एकमात्र उद्देश्य है कुर्सी पाओ ताकि भ्रष्टाचार वो करते रहें। ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार, चारा घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ हो, आदर्श हो, कोयला घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड के मकान संपत्ति को लूटने का घोटाला हो, बंगाल में 60 करोड़ रुपया मिलने का घोटाला हो टीचर की नियुक्ति में, और बिहार का सुप्रसिद्ध चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, ये घोटालेबाजों का जमात थी यहां पर, और ये चले हैं मोदी जी का जवाब देने के लिए। तो मोदी जी ने स्पष्ट किया है वो कितना भी करें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी। और मुझे तो मेरा परम सौभाग्य रहा है कि चारा घोटाले, अलकतरा घोटाले में CBI इंक्वायरी की PIL बहस करने का सौभाग्य मुझे मिला था। सुशील मोदी पिटिशनर थे और जो उस केस के पिटिशनर थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी के शह पर, आज वो कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है, कुर्सी के लिए कहाँ गिरेंगे, JP के शिष्य। तो ये देश के सामने आना चाहिए जो मोदी जी ने कहा है, अगर वो दबाव से कार्रवाई रोकना चाहते हैं तो नहीं रुकेंगे। तीन तलाक की बात उन्होंने की, काफी बोले कि काफी देश में उनको सपोर्ट मिला है इसको लेकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था कि कानून मंत्री के रूप में मुझे उस कानून को लाने का सौभाग्य मिला। क्यों नहीं सुनवाई होती है उनकी, चाहे वो शाहबानों का मामला या साराबानों का मामला हो, तीन तलाक में मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रहें, परेशान रहें, पतियों के द्वारा तलाक 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 बोल करके उनको घर से निकाल दिया जाए, उसके माँ बाप नहीं है क्या? और ये लोग किसी ने, और तीन तलाक के कानून पास होने में मेरे साथी सोनिया गांधी ने विरोध किया, मायावती जी ने विरोध किया, ममता जी ने विरोध किया, CPI ने विरोध किया, CPM ने विरोध किया, नीतीश जी की जदयू ने विरोध किया और RJD ने विरोध किया। ये है इनका हाल कि वोट बैंक के लिए ये महिलाओं की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, जहां तक उनके अधिकारों की बात होती है जो तीन तलाक की पीड़ित। ममता यहाँ साथ बैठती है, बंगाल में जाकर कांग्रेस को गाली देती है। ये सवाल हमसे मत पूछिए, कल भी अधीर बाबू ने पूरा गाली पढ़ा है, CPI CPM गाली पढ़ रहे हैं, केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी गाली पढ़ रही है दिल्ली में। तो ये लोग आपस में कोई समन्वय है क्या? देखिए, काठ की हांडी बार बार चढ़ेगी, ये हांडी पकने के पहले ही फिर फूट जाएगी, लेकिन ये तो होना ही था। और इन्हीं लोग के भरोसे नीतीश कुमार देश को एक करने चले हैं, विकल्प की बात। ये देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, जब मजबूत बहुमत मिलता है तो अमेरिका भी आपको सम्मान देता है, दुनिया भी देती है, और बाकी तो देखिए क्या होता है। क्या आधार है ये कहने का कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाए? दिन में सपना देखने पर कोई मनाही है क्या? कोई वैकेंसी नहीं है, देश मोदी जी को ही चुनेगा। लेकिन जो बात पहले मैंने आपसे 3 दिन पहले कही थी, आज फिर कहना चाहता हूँ, नीतीश बाबू ये जो 24 की बारात आप सजा रहे हैं, इसका दुल्हा कौन है? मुझे मालूम है दुल्हा आप भी बनना चाहते हैं, तो खुल के बोलिए। लालू जी तो बन नहीं सकते, ममता जी बनना चाहती हैं और राहुल गांधी सदाबहार ही हैं, तो बिना दूल्हे के बारात निकल रही है क्या? किसके साथ मजाक हो रहा है? तो वो तो बोल नहीं सकते। देखिए, अवसरवादी स्वार्थी गठबंधन लंबा नहीं बन सकता।